हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 6 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो स्लो काम करता है। ठीक है ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कैसे करना है। मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। अब इसके बाद आपको अगले पेज में ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ का, ये तीनों हमारे मोबाइल फोन की इंटरनेट सेटिंग है। ठीक है, इसे आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे आपको टैप करना है। ठीक है, अब जो भी आपने स्क्रीन लॉक अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहां पे एंटर करना है। अब इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका ये वाला पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपका नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नेटवर्क सेटिंग जो है मोबाइल फोन की रीसेट हो जाएगी और आपकी मोबाइल फोन की जो स्लो इंटरनेट की समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का यहाँ पर जो है ना सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये ऊपर की साइड में नेटवर्क इंटरनेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, ठीक है, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपको नीचे की साइड दो ऑप्शन मिलते हैं, सिम वन सिम टू। ठीक है, तो जिसमें आपने सिम लगा रखी है उसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन होगा। अगर आपकी सिम जो है 5G की है तो 5G पे सेलेक्ट करना है, अगर आपकी सिम 4G की है तो 4G के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के ठीक नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा ये वाला एक्सेस पॉइंट नेम का, ये वाला एक्सेस पॉइंट नेम पे सेलेक्ट करना है। तो आपका ये APN का पेज ओपन होगा। APN के इस पेज में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक छोटा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इस पे आपको टैप करना है। तो आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों आपकी APN सेटिंग आप रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन की जो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा है पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का छोटा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। रीस्टार्ट पे टैप करना है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के सिस्टम में एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है तो वो दूर हो जाती है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हैंग करता है, आपके स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना एक बार सॉफ्टवेयर चेक करना है कि आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमी आ जाती है। तो यहां पर जो है ना आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में यह ऑप्शन मिलेगा ये सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। यहां पर आपको दोस्तों सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो आपको उसे टैप करना है। इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन जो अपडेट होने लग जाएगा, अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको सिस्टम का अपडेट का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट होने देना है। तो जैसे आपका सिस्टम का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन की जो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं तो आपकी मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है कि अगर आपका मोबाइल फोन के अगर सिम के डेटा में अगर आपका स्लो इंटरनेट चल रहा है तो यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन के जो सिम का जो कस्टमर केयर होता है ना, आपका जो सिम जिस कंपनी की होगी उस कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करके आपको एक बार कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि कस्टमर केयर पे। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल फोन के वाईफाई के कनेक्शन में अगर आपकी स्लो इंटरनेट की समस्या आ रही है तो आपको अपने वाईफाई के सर्विस प्रोवाइडर से एक बार कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहां पर जो ना आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना डेटा यहां पर चेक कर लेना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिम का जो इंटरनेट डेटा होता है, सिम का इंटरनेट डेटा जिसे आप रिचार्ज करते हैं, तो वो आपका खत्म हो जाता है या फिर आपका जो है वो थोड़ा सा बचता है, जिसकी वजह से आपका स्लो इंटरनेट चलता है। ठीक है ना, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है,